अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हाउल वीडियो। आज की वीडियो है मीशो हाउल। आज मैंने जितनी सारी चीज़ें मीशो से ख़रीदी हुई है उसके बारे में बताऊँगी आपको, ऑनेस्ट रिव्यू भी दूँगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल भी झूठ नहीं। और सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये मैंने ग्लास होल्डर मंगवाया था, इस तरह से निकल भी जाता है और यहाँ पर इसमें बीच में स्पून डाल सकते हैं या फिर फ्लावर वगैरह डाल सकते हैं, और ये स्टिक जो है इसके ऊपर ग्लास को उल्टा करके रख सकते हैं। ये डाइनिंग टेबल के लिए है। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था प्रोडक्ट, तो ये मैंने मंगवाया था। और जितनी सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे ना, ये 300 के अंदर ही है या फिर 250 या फिर 160, इस तरह से ही काफ़ी सस्ती सस्ती चीज़ें वहाँ मिल जाती है। और जितनी चीज़ें मैंने मंगवाई है आज तक, माशाल्लाह से सारी चीज़ें अच्छी निकली। और ये है मोमोज मेकर, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो ये भी मैंने मंगवाया। इसमें अभी मैंने मोमोज बनाया तो नहीं है, लेकिन एक दिन पूरी बनाई थी मैंने चावल की, वो भी बहुत अच्छी बनी थी, छोटी छोटी। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने स्पाइसेस के लिए मंगवाया था, ये होल स्पाइसेस में मैंने रखा है। इसके साथ स्पून भी है, ये पार्टीशन वाला है। इसमें चार तरह के अलग अलग स्पाइसेस या फिर जो भी आप लोगों को रखना है रख सकते हैं। इसमें मैंने गरम मसाले वगैरह रखे हैं सब अलग अलग, इससे बहुत इजी रहता है अलग अलग निकालने में। दो लौंग ले लो, दो इलायची ले लो, इस तरह से ढूंढना पड़ता है ना इकट्ठे रखने में, तो इसमें सही है इकट्ठे रखा जाता है, अलग अलग भी रखा रहता है। और ये है नमक और चाट मसाला के लिए, ये भी डाइनिंग टेबल के लिए मैंने मंगवाया था, और इसमें अचार वगैरह रख सकते हैं या फिर माउथ फ्रेशनर के साथ स्पून भी दिया हुआ। ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत ही क्यूट लगता है ये देखने में, बहुत ही प्यारा है। और इसका ये जो ट्रे है ये तो बहुत ही प्यारा है ओवल शेप में, ये भी काफ़ी कम प्राइसेस में मुझे मिल गया था। अगर आप लोग बताएंगे तो इसकी मैं सही प्राइसेस देख के सबके प्राइस बता दूँगी। और ये प्लेस मैट भी मैंने वहीं से मंगवाया था, ये दो का सेट था। ये भी मैंने डाइनिंग टेबल के लिए मंगवाया है, कुछ गर्म चीज़ें, मेरा शीशे का है ये डाइनिंग टेबल, तो इतने गर्म चीज़ नीचे से लगने से खतरा हो सकता है, तो इसलिए ये भी वही मीशो से ही मंगवाया था। इस ये भी 200 के अंदर ही है। और ये मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र, ये ड्रेसिंग टेबल के लिए मंगवाया था मैंने। ड्रेसिंग टेबल की ऑर्गेनाइजेशन करूँगी तो मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा मेरे वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन वगैरह सबको मिलती रहे। और पीछे मैंने इसी चैनल पर काफ़ी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी शेयर की हुई है, जो लेडीज़ के बहुत ही काम आ सकती हैं, प्लीज़ जाके उसे देखिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। और ये देखिए, ये 8 पीस का सेट था, ये भी 300 के अंदर है मेरे ख्याल से। इसकी सही प्राइसेस मैं भूल गई हूँ, आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं बताऊँगी देख के इसकी सही प्राइसेस, और कहेंगे तो लिंक भी शेयर कर दूँगी। 8 पीस का ये सेट है पूरा, ये भी काफ़ी अच्छा है और किफ़ायती भी है। इसमें अलग अलग रख सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल या फिर स्टेशनरी कुछ भी रख सकते हैं सब, या फिर किचन में भी इसको रख सकते हैं ड्रॉअर के ऑर्गेनाइज़र के तौर पे। और ये बास्केट मैंने मंगवाया था, ये भी 300 के अंदर ही है। ये तीन बास्केट हैं, तीनों अलग अलग साइज़ की है, ये भी बहुत प्यारा लगा था मुझे, क्यूट तो मंगवाया था मैंने। ये भी ड्रेसिंग टेबल के लिए मंगवाया था, इसके साथ ये कार्ड भी दे रखा है ताकि हम अपना रिव्यू जाके प्ले स्टोर पर दें, ये रेटिंग के लिए दे रखा है स्टार। और अब मैं इसको साइड, ये तीन बास्केट है ये तो आप देख ही रहे हैं, अब इसको साइड करते हैं। और ये मैंने बाथरूम ऑर्गेनाइज़र मंगवाया था, इसको दिखाती हूँ मैं भी आपको। ये है मीडियम साइज़, ये सबसे छोटा साइज है, ये 3 पीस के सेट में मिला था, ये भी नीचे वाला सबसे बड़ा साइज है, ये सबसे बड़ा साइज है,
ये है मीडियम और ये है सबसे छोटा। अभी मैं आगे दिखाती हूँ आपको ऑर्गेनाइज करके। और ये जो पैलेस मैट मैंने जो रखा हुआ है इस पर, ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाया था। ये तो और भी, ये 99 का ही था ये, लेकिन पुराना हो गया तो इसलिए साइड साइड से थोड़ा मुड़ गया है। इसका भी डिज़ाइन बहुत ही प्यारा था, अभी थोड़ा काफ़ी पुराना हो चुका है इसलिए मुड़ चुका है। इसको भी रिप्लेस करना है मुझे, तो आगे दूसरा देखूँगी, कोई अच्छा होगा तो फिर से मंगवाएंगे। और ऑनलाइन शॉपिंग करने के बारे में मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ कि आजकल के लिए काफ़ी इजी रहता है ऑनलाइन शॉपिंग। अगर कुछ पसंद नहीं आया या फिर गलत आ जाए तो उसको रिटर्न या रिप्लेस भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और हम जैसी हाउसवाइफ के लिए जिसके पास छोटा बेबी है उसके लिए तो और भी इजी रहता है कि बच्चे को छोड़ के जाओ बाहर लेके आओ इतनी मुश्किल से, या फिर बच्चे को लेके भी जाओ तो ठंड में भी बच्चे को परेशानी और गर्मी में भी परेशानी होती है। आजकल ठंड तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि बाहर निकलना भी मुश्किल है, और छोटे बच्चों को ले जाना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फिर इस तरह से जो भी चाहिए होता है ऑनलाइन देख के मंगवा लेते हैं, आ भी जाता है बड़ी आसानी से, और हमें उतनी मेहनत और एफर्ट भी नहीं करनी पड़ती। अगर पसंद नहीं आए तो रिप्लेस कर लो या फिर रिटर्न कर लो। और जो भी लें देखिए कि फ्री डिलीवरी हो वही लिया करें, देख के काफ़ी ऊपर ऊपर तक जाते रहते हैं तो फिर सही रेट में भी मिल जाता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आपको दिखा फिर उसको ऊपर करते रहिए, फिर उसके नीचे उसी के जैसा प्रोडक्ट आता रहेगा आता रहेगा, तो इसमें काफ़ी बार जो ऊपर महंगा होता है वो नीचे सस्ता भी मिल जाता है। ये भी एक ट्रिक है ऑनलाइन शॉपिंग का। और नहीं तो अमेज़ॉन सब पे तो सब पॉलिसी वगैरह भी लेते हैं जिससे फ्री डिलीवरी मिलता है, या फिर अगर 499 के सामान इकट्ठे कार्ट में लेते हैं तो उससे भी फ्री डिलीवरी मिलता है। तो कोई भी चीज़ ले तो फ्री डिलीवरी हो जो जिसका वो देख के लिया करें, या फिर कम से कम डिलीवरी चार्ज हो वो लिया करें। ऐसा नहीं कि जितने का सामान नहीं हो उससे महंगा डिलीवरी चार्ज, वैसे तो महंगा पड़ जाता है। इस तरह का मैं बिल्कुल नहीं लेती, और कैश ऑन डिलीवरी ही हमेशा लेना चाहिए। इससे आप फ्रॉड से बच जाते हैं काफ़ी बार। कभी कभार होता है ना कि फ्रॉड हो भी जाता है, ऐसे तो नहीं होता लेकिन कभी कभार हो भी सकता है, तो इसलिए हमेशा कैश ऑन डिलीवरी ही लिया करें। मीशो पे बहुत इजी से कैश ऑन डिलीवरी ही होता है तो मैं ज़्यादातर वहीं से मंगवाती हूँ, और सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी ही लेना चाहिए जब भी लें। ये एहतियात किया करें आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले। और ये देखिए बाथरूम मेरा पहले इस तरह से है, इसको मैं अभी उस बास्केट के साथ ऑर्गेनाइज करके दिखाऊँगी। ये मेरा सी ग्रीन टाइल है ना, तो इसलिए मैंने ग्रीन और ब्लू जो मिक्स होता है वो है, तो ये ब्लू बास्केट ही मैंने मंगवाया था। तो सेम कलर तो नहीं आया, थोड़ा फ़र्क है लेकिन है तो ब्लू। ये देखिए इसके साथ कितनी आसानी से ऑर्गेनाइज भी हो गया है, और अच्छा भी लगता है, ऐसे सामान भी अच्छे से रहता है। तो मैंने अलग अलग कर दिया है बास्केट, सबसे ऊपर वाला है वो मेरी बेटी का है, और ये बीच वाला मेरा, और नीचे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटों का। उन लोगों का तो कम ही चीज़ होता है ना, तो फिर ये छोटे वाले में आराम से आ जाता है। इस तरह से देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इस तरह से आप कुछ भी, और ये महंगी भी नहीं है ज़्यादा, ये 200 होगी या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगी, 300 से नीचे ही होगी ये इसका प्राइस। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही कम रेट में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उससे खूबसूरत भी लगता है घर हमारा। और यहीं तक थी मेरी आज की हाउल वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और कमेंट भी कीजिएगा।